हेलो दोस्तों, वेलकम टू डबल एस फोटोग्राफी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ हम लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, तो हम लोग आज जा रहे हैं शूट पे निकल रहे हैं। आज फोटोशूट ब्लॉग होने वाला है और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं ऐसी लोकेशन पे। मेन बात तो ये है, आज हम शूट करेंगे बंदरों का। अच्छा, तो आप कह सकते हैं तो मंकी पोर्ट्रेट्स का हम एक वीडियो बनाएंगे। पूरा फोकस वीडियो रहेगी उनके ऊपर, मंकी पोर्ट्रेट्स। हम ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ पे सिर्फ मंकी ही हैं और हम लोग वहाँ पे फोटोशूट करेंगे। मिले हमारे दोस्त से, इनको मैंने टाइम दिया था और मैं इससे लेट हूँ, तो ये तो होता रहेगा। चलो हम चलते हैं और लोकेशन पे जल्दी, क्योंकि लोकेशन थोड़ा दूर है। लोकेशन पे पहुंच के वहाँ पे वीडियो स्टार्ट करेंगे और मंकीज की फोटोज देखने के लिए जरूर से जरूर वीडियो पूरी देखना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये बहुत मिलने वाला है, क्योंकि हम दोपहर में आते हैं, बाद में आते तो इतनी धूप होती है यहाँ पे और इतने लोग होते हैं कि हम लोग फोटो खींचने कर पाते बंदरों की। तो चलो बंदर आप दिखाओ, बंदर देखो, वो लोग कितने छोटे छोटे बंदर यहाँ पे, देखो कैसे कैसे बंदर हैं यहाँ पे। मैं आपको पहले ही पहली फोटो क्लिक कर दिखाता हूँ, क्लिक करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखकर देख सकते हो, देखो फोटो कितनी शानदार आई है, बहुत ही ज़बरदस्त फोटो आई इस बंदर की। ये सबसे छोटा वाला बंदर है, इसी फोटो हम लोग ने स्टार्टिंग में क्लिक करनी शुरू की है। तो देखते हैं बाकी कैसे कैसे फोटोज क्लिक कर पाते हैं हम लोग। तो गाइस आप लोग देखो, यहाँ पे एक बंदर का बच्चा दूध पी रहा है। हम लोग इसकी फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे बंदर नहा रहे थे, तो देखते हैं हम लोग वहाँ पे वो लोग नहा रहे हैं, तो उनकी फोटो खींचे देखते हैं फोटो कैसी आती है। अभी हम लोग वेट करेंगे, पर शायद वेट करना पड़े, वेट करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी आए हैं और हमें इसका फायदा मिलने वाला है। तो बंदर वहाँ पे नहा रहे थे, हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे फोटो क्लिक करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है लोग नहाएंगे नहीं अब, तो हम लोग जो पेड़ पे बैठे हैं इन्हीं फोटो क्लिक करते हैं। तब तक अगर नहाएंगे तो ठीक है, कूदेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग चल रहे हैं। जब तक ये बैठा हुआ है ऊपर, आप लोग देख रहे हैं पेड़ पे, अभी जूम करके देख लेना आप लोग यहाँ पे बैठे। चलो इनकी फोटो मैं क्लिक कर दूँगा, तब तक जूम करके दिखाते हैं। भाई ठंड इसे क्या, आप लोग समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, वही वाला ठंड। लेकिन अब हम वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वेट ही करेंगे। लगता है हम लोग वेट ही करेंगे, और जब वेट नहीं करेंगे तब ना आएंगे। मुझे भी लगा, इनको पता लग गया कि बस हम लोग फोटो क्लिक करने आए हैं। देखो हमारे सामने खड़ा हो, दम दे दो भाई साहब। ओ बंदरिया, ओ साइड पोज वाले भाई, ओए ये देख, ये लोग कैसे मतलब किस, ये देखो बंदर कैसे किस कर रहा है। तो ये सब फोटोज थी जो हमें मिली यहाँ पे, और हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसे एक्सप्रेशन मिल जाएंगे हमको। तो चलो अभी हमारे पास बने रहो, क्योंकि अभी फोटो स्टार्ट ही किए, समझ लो ये स्टार्टिंग है अभी हमारी। हम यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में ही हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे अभी बहुत बड़ा है, बहुत मतलब एक्सप्लोर करना है। तो हम लोग चल रहे हैं इसके अंदर। अब एंट्री आपने देख ही ली है, एंट्री में सुरसा राक्षसी थी, मैंने उनको काली माता बोल दिया। और आप ये देखें, ये मूर्ति देखें हनुमान जी की, ये मूर्ति है 55 फीट की यहाँ पे। तो हम लोग दर्शन तो करने नहीं आए हैं, तो हम लोग पहले फोटोशूट स्टार्ट करते हैं, अपना काम करते हैं, फिर बाद में करेंगे दर्शन। हम को नहीं परेशान करेंगे तो हमें वो परेशान नहीं करेंगे। तो आप लोग देख लें कितना नज़दीक हम लोग जैसे सब जा रहे हैं लोग। अगर मैं ये सब दिखाता रहूँगा तो मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी बन जाएगी। तो अब आप, मैं आपको एक बार लास्ट बार दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे बंदर कितने सारे हैं, मतलब अलग अलग पोजीशन, अलग अलग एक्सप्रेशन। देखो वहाँ पे वो पानी पी रहा है ना, दादाजी काम कर रहे हैं अपना, यहाँ पे भंडारा वगैरह था, तो भंडारे में इनकी बंदरों की मौज और इंसानों की मौज तो हुई हुई। आप ये भी ये चीज़ देखें, आप ये पानी पी रहे थे भी। अब ये देखो, देखो देखो चलाकी देखो इनकी आप लोग, बंद है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं,
बंदर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, हम जितने बंदर दिखाएंगे, मैं बार बार खुद बोल रहा हूँ कितने बंदर दिखाऊंगा तो फ़ोन की मेमोरी, कैमरे की मेमोरी सब कुछ भर जाएगी। तो चलो हम लोग सीधा अब शूट ही स्टार्ट करेंगे, वीडियो कुछ देर के लिए रोक दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। वैसे मैं कह रहा था बहुत छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहा था, तो वो छोटा बच्चा बहुत ही ये वाला है, माँ के पास चिपक के सो रहा है एक, और मैं दूसरे को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर से उनके पास बड़े बड़े बंदर है ना यार, इसलिए हम लोग फोटो नहीं क्लिक कर पा रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े बंदर है ना, दिक्कत ही हो रही है। और वो देखो आप जो उसके पीछे आप देख रहे हैं, वो एकदम पीछे लास्ट में, ये वो सबसे छोटा बच्चा यही है। ये इसलिए तुम्हारी ख़राब है कि ये बस आ नहीं पा रहा सही से। सारे बंदर हैं, हम लोग इनके बीच चलेंगे, भले ही हमारा कैमरा के भाग क्यों नहीं जाए, लेकिन आज इनकी फ़ोटो अच्छे से ज़रूर खींच चलूँगा मैं। चलो आज फोटो क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, भागते हैं, मुझे लग रहा है भागना चाहिए यहाँ से, क्योंकि सर यहाँ पे आ ही जा रहे हैं यार। आगे स्वाद थोड़ा दूर जाते, थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं इनसे, कुछ ज़्यादा क्लोज चले गए हम लोग इनके, तो कुछ पता नहीं है ना बंदरों का भी, अब इनको क्या पता लगे हमसे खतरा तो वो लोग अटैक कर दें। तो चलो हम लोग यहाँ से फोटो क्लिक करते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी बंदर है, मतलब बंदर हर जगह रहते हैं यार, हर मूर्ति पे। आप इनको देखिए, आप इसको देखो, लोग जेब उपटोर है मेरी, मतलब कुछ भी कुछ नहीं भाई। जय हनुमान। तो गाइज हम लोग वीडियो को यहीं पे अब स्टॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चाहें तो पूरा दिन अगर हम लगाएंगे तब भी फोटो हमारी नहीं बंद हो सकती हैं। तो हमने सोचा क्योंकि ना धूप भी ज़्यादा हो रही है, लोगों को आना जाना ज़्यादा हो चुका है, तो हम लोग वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो हमने कुछ वीडियोज़ नहीं शूट की थी, सिर्फ हमने फोटोज़ क्लिक की, हमने कुछ वीडियो शूट नहीं की थी, फोटोज़ क्लिक की हैं, क्योंकि वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे दोस्त को प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि हम लोग फोटो क्लिक करनी ज़रूरी थी, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं शूट की, सिर्फ कैमरे पे फोकस किया, फोटो से फोकस किया। तो उसकी वजह से हमने फोटोज़ जितनी साथ साथ दिखाई हैं वो तो है ही हैं, बाकी लास्ट में जो फोटोज़ नहीं डाली थी मैंने वो भी डाल दे रहा हूँ, ताकि आप लोग फोटोज़ ज़रूर देख लें। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, जाके जरूर मैं हैंडल दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और फोटोज़ कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, कौन सी फ़ोटो बेस्ट है वो भी बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, शेयर जरूर करना यार, गुड बाय।